स्टूडेंट्स, अब पॉलिनोमियल्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके सामने ला रहे हैं आफ्टर फिनिशिंग ऑल दी एक्सरसाइजेज ऑफ दी चैप्टर पॉलिनोमियल ऑफ क्लास 9th। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने लिखा है टॉपिक सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मे बी फ्रॉम आर एस अग्रवाल एंड आर डी शर्मा। ओके, सो बुक हैज़ नॉट मैंसन्ड नेम ऑफ बुक, दिस इज द टॉपिक ऑफ सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जस्ट पढ़ करके मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ द पॉलिनोमियल 2x³ प्लस ax² प्लस 3x-5 एंड x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस a। इस केस में ये दोनों पॉलिनोमियल जिसको डिवाइड करना है, लीव द सेम रिमाइंडर, रिमाइंडर सेम आएगा। मैंने यहाँ लिखा है कि बेस्ड ऑन रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है। व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ऑल्सो फाइंड द रिमाइंडर इन ईच केस। सो लेट मी स्टार्ट फर्स्ट कि इस पॉलिनोमियल को पी एक्स मानते हैं। लेट पी ऑफ एक्स इन वेरिएबल एक्स पॉलिनोमियल 2x³ प्लस ax² प्लस 3x-5 एंड द अनदर पॉलिनोमियल है उसको हम जी एक्स मान लेते हैं। जी एक्स जो है x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस a। इन दोनों पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करना है तो उसको जीरो मानते हैं। नाउ एक्स माइनस टू जीरो, दैट मीन्स जीरो का वैल्यू 2 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिमाइंडर ऑफ पी एक्स व्हेन डिवाइडेड बाय व्हेन पी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स both divided by by x minus 2, then remainder is same, remainder same आता है। but according to remainder theorem हमने देखा कि according to रिमाइंडर थ्योरम, व्हेन पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, देन रिमाइंडर इज पी ऑफ ए। दैट इज इन फर्स्ट केस पी एक्स जब डिवाइड किया जाएगा एक्स माइनस टू से तो रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ऑफ टू इज इक्वल टू 2 का क्यूब प्लस 8 2² प्लस 3 × 2 − 5, जिसका रिजल्ट आएगा 2 × 2 = 4 × 2 = 8 × 2 = 16 प्लस 4a प्लस 6 − 5, ये 16 6 = 22 में 17 प्लस 4a एंड अनदर रिमाइंडर जो है व्हेन जी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जी ऑफ टू, दैट इज हो जाएगा 2³ प्लस 2² माइनस 2 × 2 प्लस a, जो रिजल्ट में आएगा 8 + 4 − 4 प्लस ए। सो रिजल्ट आएगा 8 + a। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है दोनों रिमाइंडर सेम। नाउ फर्स्ट रिमाइंडर आया 17 + 4a एंड सेकेंड रिमाइंडर आया 8 + a, दोनों इक्वल है। सो 4a और a उस साइड से इधर लाएंगे,
एट माइनस सेवेंटीन, थ्री ए इक्वल टू माइनस नाइन, सो ए इक्वल टू माइनस नाइन बाई थ्री, ए का वैल्यू आ गया माइनस थ्री। दिस इज द फर्स्ट आंसर, बट रिमाइंडर इन फर्स्ट केस, दोनों केस का रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। रिमाइंडर इन केस वन इज इक्वल टू, ये देखिए पी टू, दिस इज पी टू इज इक्वल टू 17 प्लस 4 इंटू ए का वैल्यू माइनस 3, 17 माइनस 12 5 आया। एंड रिमाइंडर इन सेकेंड केस, रिमाइंडर इन केस सेकेंड, ये क्या आएगा जी टू, दैट इज 8 प्लस माइनस 3, दिस इज ऑल्सो 5, हैंस रिमाइंडर इन बोथ केस इज इक्वल टू 5 एंड ए का वैल्यू माइनस 3। सो दिस टू आर आंसर विच आर टू फाइंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, नाउ आई एम कमिंग फॉर द क्वेश्चन नंबर टू। The polynomial p of x is equal to x cube minus ax square plus 6x minus a is divided by the another polynomial g of x equal to x minus a. Then find remainder using remainder theorem. Okay? So first we write the polynomial px. जो दिया है पॉलिनोमियल पी एक्स का वह वैल्यू ज्यों का त्यों हम यहाँ लिख देते हैं, और जी एक्स का जो वैल्यू दिया है दैट इज ऑल्सो कैरी डाउन एज यूजुअल। बट जब रिमाइंडर थ्योरम का अप्लीकेशन करते हैं तो हम जी एक्स को जीरो मानते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जी एक्स को, जी ऑफ एक्स को जीरो मानते हैं तो एक्स माइनस ए जीरो आता है, तो एक्स इक्वल टू ए आता है। अब रिमाइंडर थ्योरम के स्टेटमेंट क्या कहते हैं वो लिखना है। अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, व्हेन कोई पॉलिनोमियल पी एक्स इज डिवाइडेड बाय कोई अनदर पॉलिनोमियल, अनदर पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, देन रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ऑफ ए। ओके, तो इस तरह से हम पी ऑफ ए निकालेंगे और हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। नाउ रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है पी ऑफ ए। सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, तो इसको आराम से निकाल सकता है। पी ऑफ ए मतलब हुआ कि a का क्यूब माइनस a और x है तो a का स्क्वायर प्लस 6 a माइनस a, ये रिजल्ट में आएगा a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 6 a माइनस a, और ये 6 a माइनस a आ जाएगा 5 a। सो दिस इज द रिमाइंडर, हेंस कंप्लीटेड। स्टूडेंट्स, इस कड़ी में, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की कड़ी में, हम क्वेश्चन नंबर थर्ड लाए हैं आपके लिए, जो कहता है कि ये पॉलिनोमियल पी एक्स एक्स टू द पावर 4 माइनस 2 एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी द सिंगल पॉलिनोमियल है एज ए डिविडेंड, एंड व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय टू अनदर पॉलिनोमियल
एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन, ओके रिस्पेक्टिवली, देन रिमाइंडर कम्स 5 एंड 19। व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन रिमाइंडर 5, व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन रिमाइंडर 19। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी बोथ, एंड व्हेन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी बोथ, फाइंड द रिमाइंडर इफ द सेम पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू। सो लेट मी ट्राई टू सॉल्व आउट द सम। पी एक्स इज इक्वल टू हेयर पी ऑफ एक्स, एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस ए एक्स प्लस बी। ओके इन केस फर्स्ट, केस फर्स्ट यूज रिमाइंडर थ्योरम, एंड फर्स्ट वी हैव टू राइट एक्स माइनस 1 0, सो एक्स इक्वल टू 1। एज पर रिमाइंडर थ्योरम, एज पर रिमाइंडर थ्योरम व्हेन पी एक्स, पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, देन रिमाइंडर इज पी ऑफ वन। अब वी हैव टू फाइंड पी ऑफ वन। पी ऑफ वन इज इक्वल टू 1 to the power 4, 2 1 का क्यूब प्लस 3 1² माइनस ए 1 प्लस बी। हियर रिमाइंडर इज गिवेन, रिमाइंडर इज 5। पी वन इज इक्वल टू 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1 माइनस 1 का क्यूब 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस ए प्लस बी। सिंस रिमाइंडर गिवेन, रिमाइंडर इज इक्वल टू 5 गिवेन, नाउ दिस माइनस ए ब्रिंग टू लेफ्ट साइड एंड चेंज द साइन, एंड प्लस बी ऑल्सो। नाउ 3 प्लस 1 4, माइनस 2 4 माइनस 2 2, एंड दिस 1 माइनस 5 ब्रिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो वी हैव ए माइनस बी आ गया, 2 में से 5 गया माइनस 3, एंड हम यहाँ ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं बी माइनस 3। दिस इज ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली केस 2 से हमको फाइंड करना है इसी तरह का इक्वेशन। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन केस सेकेंड, वो ये तुम्हारा एक्स प्लस 1 को 0 मानना है, जिससे कि 0 हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस 1, एंड अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम इफ पी ऑफ एक्स, दैट मीन्स पॉलिनोमियल इन एक्स डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन, देन रिमाइंडर इज पी ऑफ माइनस वन, एंड दैट इज 19 दिया है। सो वी हैव टू राइट पी ऑफ माइनस वन, तो पी ऑफ माइनस वन निकालेंगे, माइनस 1 to the power 4, माइनस 2 माइनस 1 क्यूब प्लस 3 माइनस 1 स्क्वायर माइनस ए माइनस 1 प्लस बी इज इक्वल टू 19, जैसा कि ये देख रहे हैं। ये आया प्लस 1 और ये माइनस 1 का क्यूब माइनस माइनस प्लस 2, ये प्लस 3 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 19। प्रोसीड दिस इन द राइट साइड। सो हमारे पास क्या है, 3 प्लस 2, यहाँ ध्यान से देखिए, 3 प्लस 2 5 1 6, 6 को और बी को भी ले जाना है। दैट मीन्स हमारे पास बचता है ए इक्वल टू 19 माइनस 6 माइनस बी, सो ए इक्वल टू 13 माइनस बी। अब देखते हैं क्या, इक्वेशन फर्स्ट में भी लेफ्ट साइड है और इक्वेशन सेकंड में भी लेफ्ट साइड है। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, व्हेन वी कंपेयर फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिलता है? बी माइनस थ्री इज इक्वल टू 13 माइनस बी, सो ये बी इधर आएगा, बी प्लस बी इज इक्वल टू 13 प्लस थ्री, टू बी इक्वल टू 16, सो बी आ गया 16 बाई टू इक्वल टू 8. हेयर वी गॉट द वैल्यू ऑफ बी. नाउ दिस वैल्यू इज पुट इन इक्वेशन, आइदर इन इक्वेशन 1 और 2. सो पुट बी इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट. सो इक्वेशन फर्स्ट यू सी, इक्वेशन फर्स्ट ए इक्वल टू बी माइनस थ्री, ए इक्वल टू बी माइनस थ्री, दैट मीन्स 8 माइनस थ्री इक्वल टू 5. नाउ वी हैव ए एंड बी, ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 8. दिस इज वन ऑफ द आंसर. एंड व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाय, व्हेन पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू, देन रिमाइंडर पी ऑफ टू. व्हाई? सिंस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू टू. नाउ वी हैव टू फाइंड पी ऑफ टू. पी ऑफ टू दैट मीन्स 2 टू द पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 क्यूब प्लस 3 2 स्क्वायर माइनस वैल्यू ऑफ ए इज हियर 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया, एक्स का वैल्यू इज 2 एंड प्लस बी, that means value of b 8. 2 to the 4 to the 8 to the 16, a b minus 16 plus 2 to the 4 3 the 12 minus 5 to the 10 plus 8. Here cancel, 12 8 20 minus 10 10. अब हमारा result final होने जा रहा है. Hence ये a is equal to 5, b is equal to 8 and remainder is equal to 10. Hence answer completed students, as you have seen in the answer. Okay, some important questions ke kari mein ab hum aage badhte hain aur based on factors theorem par humne aapke liye question laya hai. Yahan without actual division prove that 2x to the power 4 प्लस एक्स क्यू माइनस 14 एक्स स्क्वायर माइनस 19 एक्स माइनस 6, ये फैक्टर ये डिविजिबल है, इससे इसको आपको दिखाना है. इससे का मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 2 से ये डिविजिबल है कि नहीं, इसको दिखाने के लिए. ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बट रिमाइंडर निकालने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी, क्या ज़रूरत पड़ेगी, फैक्टर थ्योरम में लीनियर फैक्टर की. तो हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके लिए उसको लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज करना है. सो जस्ट वी हैव टू राइट पी एक्स, एक पॉलिनोमियल को मान लिया 2x टू द पावर 4 मेजर डिग्री वाला प्लस एक्स क्यू माइनस 14x स्क्वायर माइनस 19x प्लस माइनस 6 एंड जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. इसे फैक्टराइज करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2, और ये रिजल्ट आता है एक्स एक्स प्लस 2 प्लस 1x प्लस 2, जिसे हम लिखते हैं एक्स प्लस 2 कॉमन लेकर के और एक्स प्लस 1. इस तरह से हमारा फैक्टराइजेशन हो गया. अब क्या है कि जी एक्स को जीरो लेते हैं, जिसे आता है एक्स प्लस टू और एक्स प्लस वन दोनों जीरो, तो इम्प्लाइज दैट एक्स प्लस टू या तो जीरो आएगा और एक्स प्लस वन जीरो आएगा.
दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू माइनस टू आएगा और एक्स इक्वल टू माइनस वन। तो पी एक्स का फैक्टर जी एक्स तभी होगा पॉलिनोमियल पी एक्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इफ पी ऑफ माइनस टू जीरो आ जाए एंड पी ऑफ माइनस वन जीरो, बोथ को जीरो लाना पड़ेगा। आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या ऐसा होता है कि नहीं। आगे बढ़ना मतलब प्रोसेस को, स्टेप्स को आगे बढ़ाना। इनको मजाक आप नहीं समझेंगे। आगे बढ़ना दैट मीन्स कि प्रोसेस शुड बी प्रोसीडेड। अब निकालते हैं पी ऑफ माइनस टू, तो ये आ जाएगा, देखिए यहाँ से पी ऑफ माइनस टू यानी टू माइनस टू पर पावर फोर प्लस माइनस टू क्यूब माइनस फोर्टीन माइनस टू स्क्वायर माइनस नाइनटीन इंटू टू माइनस सिक्स। रिजल्ट में क्या जीरो लाता है या नहीं देखा जाए। ये माइनस का फोर पावर तो प्लस, और टू का फोर पावर सिक्सटीन, टू जाइए थर्टी टू, यहाँ तो थर्टी टू आ गया। ये माइनस में आएगा और टू का क्यूब एट, ये माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये माइनस ट्वेंटी एट, ये क्या आएगा नाइनटीन, और ये माइनस टू है तो प्लस थर्टी टू थर्टी एट और माइनस सिक्स। अब देखते हैं क्या आता है। तो ये थर्टी एट और ये माइनस टू है तो माइनस टू क्यूब माइनस एट माइनस टू स्क्वायर तो टू टू ज़ा फोर फिफ्टी सिक्स, हेयर फिफ्टी सिक्स। एंड नाउ ये थर्टी टू और थर्टी एट, एट टू ज़ीरो टेन थ्री थ्री सिक्स वन सेवन, और इधर फिफ्टी सिक्स सिक्स एंड सिक्सटी टू एट सेवेंटी जीरो, ये ले आए। नाउ अगेन एक दूसरा है पी ऑफ माइनस वन, ज़रा देखते हैं कि क्या ये भी आता है ज़ीरो। तो टू ऑफ माइनस वन का होल पावर फोर प्लस माइनस वन का क्यूब माइनस फोर्टीन माइनस वन स्क्वायर माइनस नाइनटीन माइनस वन प्लस प्लस नहीं माइनस सिक्स। और रिजल्ट क्या देता है, ये तो पॉजिटिव आ जाएगा माइनस का फोर पावर तो पॉजिटिव टू, ये माइनस वन, ये माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस फोर्टीन प्लस नाइनटीन माइनस सिक्स। देखते हैं ये नाइनटीन टू ट्वेंटी वन और माइनस फोर्टीन वन माइनस फिफ्टीन सिक्स माइनस ट्वेंटी वन। तो क्या देखा कि दोनों केस में जो है वह जीरो आ रहा है रिमाइंडर। तो दैट मीन्स सिंस पी ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो एंड पी ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर एक्स और ये प्लस टू, ओके सो पी एक्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन। दैट इज फाइनल रिजल्ट आया पी एक्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। और इस तरह से हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।